बाइट। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल को, अपने 10 साल की सरकार की उपलब्धि अमृतकाल से बताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इसका खंडन करती है और ये कहती है कि ये अमृतकाल नहीं, अन्याय काल था नरेंद्र मोदी का। इस 10 साल में जो महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज़ बढ़ी, किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाला गया और जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए पूरे देश के अंदर, जिसके आंकड़े अभी मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए हैं, वो बड़े चिंता का विषय है। आज देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनका दुरुपयोग कर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन की आवाज़ को बंद करना चाहती है और जो अन्याय 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में किया, दमनकारी जो शासन था उनका, बर्बरतर से क्रूर शासन था, उस शासन को वो छुपाने के लिए आज कभी तो धर्म की राजनीति को बीच में लाते हैं, कभी मंदिर की राजनीति को बीच में लाते हैं। आज देश का नौजवान अपने भविष्य में रोज़गार की बात करना चाहता है, किसान अपने कर्जा माफ़ी की बात करना चाहता है, MSP आप क्या देना चाहते हैं उसकी बात करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी आज उसकी बात नहीं करना चाहती, आज वो मुद्दों से भटकाना चाहती है देश के लोगों को। आप इसका विरोध कैसे करेंगे, कैसे जनता को समझा पाएंगे क्या पॉलिसी? पूरे देश के अंदर लोगों के बीच में जाकर हम इस तरीके की प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, गाँव के स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी का संगठन ये पर्दाफाश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के अन्याय काल का। हमारे पास में पूरे आंकड़ों के साथ में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके का लोगों से समर्थन हमको मिल रहा है वो मैं बताना चाहता हूं कि लोग बहुत असंतुष्ट हैं। देश के अंदर महंगाई आज जिस तरीके से चरम सीमा पर है, लोग महंगाई की वजह से आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, वो आत्महत्या कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है और उनको बता रही है कि कांग्रेस पार्टी 2024 में जब सरकार में आएगी तो सबके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी जिससे उनको बेनिफिट मिल सके। पार्टी के अंदर एक संकट है, आप देख रहे हैं वर्तमान में आपके नेता जा रहे हैं, हमारे यहाँ के मेयर चले गए BJP में, पूर्व अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भी पार्टी जाने की बात चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं, संकट का समाधान कैसे निकाल पाए? देखिए, ये अटकलें हैं, अभी औपचारिक रूप से कोई भी कहीं से भी कोई हमको न्यूज़ नहीं आई। ये आप लोगों के प्रेस में इस तरीके की चर्चा हमें भी देखने को मिली, पढ़ने को मिली, लेकिन मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो भी साथी हैं वो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ हमारे लीडर्स रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उसके ऊपर हम लोगों का कोई स्टेटमेंट देना बनता नहीं है। इसलिए क्योंकि कल दिग्विजय सिंह जी जो यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, आप लोगों से संपर्क किया, उन्होंने भी वहाँ पर बताया कि यहाँ पर इस तरीके की अटकलें हैं, अभी कोई इस तरीके की हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिली। पार्टी संकट से जूझ रही है तो कैसे लड़ पाएगी? नहीं, बिल्कुल पार्टी संकट से नहीं जूझ रही, पूरी देश के अंदर पार्टी मल्लिकार्जुन खारगे जी के नेतृत्व में मजबूत है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं, हम लोग मणिपुर से शुरू कर जो महाराष्ट्र मुंबई तक उसका समापन करेंगे, 6700 किलोमीटर की ये यात्रा के अंदर हम लोगों को जो जनसमर्थन लोगों से मिल रहा है, तो पार्टी हर तरीके से मजबूत है, संगठन कांग्रेस पार्टी का मजबूत है, इसके अंदर मुझे कोई संकट नज़र नहीं आता। थैंक यू।